Hi everyone, welcome to Study Swaxit. In this video, we will discuss about NEET 2021 counseling. आप लोग का एग्जाम हो गया, अब आप लोग के पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है काउंसलिंग. क्यों? क्योंकि मेरा दो दोस्त ऐसा है, एक दोस्त जिसको अच्छा कॉलेज मिल सकता था, he had potential marks to get that college, फिर भी उसको कॉलेज नहीं मिला due to काउंसलिंग. और एक दोस्त उसका कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स था, फिर भी उसको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिला. कट ऑफ से मार्क्स ज्यादा था फिर भी नहीं मिला, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू काउंसलिंग. तो काउंसलिंग कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ ही आया होगा, तो स्किप नहीं करके पूरा वीडियो देखना. चलो लेट स्टार्ट विथ नो बकवास. ओके, नीट 2021 काउंसलिंग. एक मिनट, स्टार्ट होने के पहले देख लो थोड़ा स्क्रीन में. 96% लोग जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं किया है और 4% लोग सिर्फ सब्सक्राइब किया है. तो आप लोग के पास मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये रेशियो आप घुमा दो, 96% सब्सक्राइब, 4% नॉट सब्सक्राइब. चलिए जल्दी से एक सेकंड के लिए सब्सक्राइब करके आ जाइए, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं. चलो नीट 2021 काउंसलिंग. पहले आप लोग का रिजल्ट आउट होता है, सीट्स डिक्लेयर होता है. ठीक है, सीट्स अब दो तरफ का होता है. सीट्स होता है AIQ सीट, ऑल इंडिया कोटा सीट्स और स्टेट कोटा सीट. कैसे होता है? सपोज आई एम रीडिंग नाउ इन बर्धमान मेडिकल कॉलेज BMC. BMC हैज 200 सीट के अंदर डिवाइडेड होगा 85% फॉर स्टेट कोटा, मींस द पीपल हु आर ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड 15% फॉर ऑल इंडिया कोटा. 85% मींस 85 प्लस 85 दैट इज 170 एंड 30. तो आपके पास मन में क्वेश्चन आ सकते हैं, भैया आपके आप लोग का कॉलेज में क्या 30 लोग ही ऑल इंडिया कोटा से है? नहीं, 26 लोग है. क्यों? चार लोग सीट में नहीं आया, वो जो चार सीट है वो हो जाता है ऑल इंडिया कोटा से. एक्स्ट्रा सीट जो होता है ऑल इंडिया कोटा का जो एक्स्ट्रा सीट होता है, अगर नहीं ले सा है ऑल इंडिया कोटा का स्टूडेंट, देन इट गोज टू स्टेट कोटा. फर्स्ट रिजल्ट आउट हो गया, सीट का मैट्रिक्स भी पता चल गया. अब क्या? अब रजिस्ट्रेशन होता है. कौन सा वेबसाइट में होता है? ऑल इंडिया का जो वेबसाइट है MCC.NIC.in, वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वो चेक करते रहना कब रजिस्ट्रेशन हो रहा है कब क्या नहीं हो रहा है. उधर आपको जेन्युइन अपडेट मिलेगा, इस चैनल में भी मिलेगा, सब्सक्राइब कर लो इसलिए. ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया. रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग का काउंसलिंग स्टार्ट होता है. अब काउंसलिंग पैटर्न कैसे होता है? हम लोग को पता है कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग पार्ट वन होता है, पार्ट 1.0. हाँ, अभी तो ट्रेलर मूवी ये लोग का सब सीन चल रहा है, तो 1.0, 1.2, 2.0 ज्यादा बढ़िया रहेगा. ठीक है, तो AI की काउंसलिंग राउंड 1.0 होगा. ठीक है, फिर स्टेट काउंसलिंग राउंड 1.0, फिर AIQ काउंसलिंग राउंड 2.0 एंड फाइनली स्टेट काउंसलिंग 2.0. समझते हैं कैसे होता है क्या नहीं होता है, समझते हैं. चलो फर्स्ट होगा MCC.NIC.in में आप लोग का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, रजिस्ट्रेशन डन. नाउ काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड वन. अब काउंसलिंग में प्रोसीड्यूर क्या होता है आई विल डिस्कस. फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन सा आगे होता है कौन सा पार्ट बाद में होता है. तो ये वेबसाइट में MCC.NIC.in में ऑल इंडिया AIQ काउंसलिंग में आप टेक पार्ट किए, आपका हुआ. अब आपको कॉलेज जो ऑल इंडिया कोटा से जो कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड में आपको अच्छा नहीं लगा, देन यू कैन लीव द कॉलेज, नो प्रॉब्लम. अगर आप नहीं जाते हो कोई बात नहीं, यू कैन लीव द कॉलेज. स्टेट काउंसलिंग उसके बाद होगा. स्टेट काउंसलिंग सपोज आपको कोई कॉलेज नहीं मिला और कोई कॉलेज मिला है जो आपको अच्छा नहीं लगा ऑल इंडिया काउंसलिंग पार्ट वन, तो आप क्या करोगे स्टेट काउंसलिंग में पार्ट करोगे. स्टेट काउंसलिंग में क्या कहाँ होता है वेबसाइट, जैसे वेस्ट बंगाल के लिए WBMCC.NIC.in, UP के लिए UPMCC.NIC.in, ऐसे सब स्टेट का अपना अपना एक वेबसाइट होता है. मेडिकल काउंसलिंग जो होता है उधर होता है. ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग राउंड वन में यू कैन लीव द एलोटेड कॉलेज, बट इसके बाद ही फंडा आता है AIQ काउंसलिंग राउंड 2.0 में यू कैन नॉट लीव द सीट. अगर AIQ पार्ट राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल गया है
यू कैन नॉट लीव दैट कॉलेज, वही कॉलेज में आपको पढ़ना होगा, पांच साल रहना होगा. तो यू शुड, ये जो है ऑल इंडिया काउंसिलिंग राउंड टू, सोच के करना होगा. कॉलेज देखना प्रोबेबिलिटी, राउंड वन में जो कॉलेज आ रहा है उसका एक ही दो आगे मिल सकते हैं कॉलेज, प्रोबेबिलिटी देख के सही से काउंसिलिंग करना याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. और स्टेट काउंसिलिंग राउंड टू में भी आप कॉलेज लीव नहीं कर सकते हो, बट वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हो. वेस्ट बंगाल में आप लीव नहीं कर सकते हो, कोई अदर स्टेट में लीव कर सकते हो, वो जो उधर स्टेट का नियम है वो है. और ये जो वीडियो है ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, एनी ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट ऑफ द होल इंडिया कैन, इफ दे वांट टू अंडरस्टैंड 2021 काउंसिलिंग, द वीडियो इज फॉर देम, टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. ओके, हाँ, स्टेट काउंसिलिंग राउंड टू हो जाने के बाद भी अगर सीट नहीं मिलता है आपको, क्या और भी अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉर मॉपअप राउंड. मॉपअप राउंड होता है, उधर आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ता है, जो कॉलेज में एक डेट दिया जाता है, एक टाइम दिया जाता है, स्पेसिफिक टाइम के अंदर जाना पड़ता है. अगर आपको डिटेल्स में मॉपअप राउंड का वीडियो चाहिए देन डू कॉमेंट, आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट. ओके, चल अब आते हैं प्रोसीड्योर. प्रोसीड्योर क्या है भाई, ये जो हम इतना काउंसिलिंग कर रहे हैं, काउंसिलिंग का प्रोसीड्योर क्या है? देखो, फर्स्ट आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा फॉर ऑल इंडिया कोटा, इट इज mcc.nic.in, एंड फॉर स्टेट कोटा, फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स इट इज wbmcc, फॉर यूपी इट इज upmcc, ऐसे होगा. रजिस्ट्रेशन हुआ. अब आपको लोग का जो स्टेट काउंसिलिंग होगा, स्टेट के लिए आपको एक स्टेट रैंक दिया जाएगा, वो वेस्ट बंगाल के लिए डिफरेंट होगा, हर एक स्टेट के लिए डिफरेंट होगा. वो कैसे होगा, सपोज दिस इज वेस्ट बंगाल, ये सब नीट टॉपर है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर कौन रैंक वन है, कौन रैंक लास्ट है, वो किया जाएगा, उसको स्टेट रैंक बोला जाता है. क्लियर, स्टेट रैंक पब्लिश हुआ. अब उसके पहले होगा प्री काउंसिलिंग वेरिफिकेशन. कोई अगर रोबोट झूठ झूठ बोल रहा है कि मेरे को 650 मार्क्स मिला है, मैं कोई बॉटर आया और किया, बट वो तो अलाउड नहीं है. तो एक प्री काउंसिलिंग वेरिफिकेशन होना चाहिए, और वो जनरली ऑफलाइन हुआ था. हाँ, हमको पता है कि पिछले साल ऑनलाइन हुआ था ड्यू टू कोविड कॉजेस, बट इस साल आई थिंक इट विल बी डन ऑफलाइन फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो ऑफलाइन होगा. ऑफलाइन आपको कोई एक कॉलेज में बुलाया जाएगा, उधर आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा. क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट. जो स्टार मार्क है दिस इज इन केस ऑफ स्टेट कोटा, और जो स्टार मार्क नहीं है दिस इज इन केस ऑफ बोथ ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा. ओके, सो सक्सेसफुल अब जब हो जाएगा, डॉक्यूमेंट दिखाएंगे सब, तो वो लोग आपको एक सक्सेसफुल वेरीफाइड स्लिप देगा, जो आपका काम आएगा, जो कॉलेज आपका एलोटेट होता है उधर आपको वो स्लिप दिखाना पड़ेगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंटली ये ध्यान से रखना, इसको मतलब इधर रख दिए, इधर फेंक दिए, ये गुम हो गया, गुम होने से आपको कॉलेज में जगह नहीं मिलेगा. सो इसको थोड़ा सक्सेसफुल वेरीफाइड स्लिप सही से रखना. ठीक है, उसके बाद आपका स्टेट कोटा जो मेरिट लिस्ट होगा, स्टेट कोटा का एक मेरिट लिस्ट वो पब्लिश्ड होगा. दिस इज इन केस ऑफ स्टेट, जो स्टेट स्पेसिफिक स्टेट रिलीज करेगा. दिस इज नॉट फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग, ये काउंसिलिंग में नहीं लगेगा, बस स्टेट काउंसिलिंग में आपको स्टेट कोटा मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा. स्टेट कोटा मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद उधर उसके साथ साथ आप लोग का जो स्टेट है उधर कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है निकलेगा. वेस्ट बंगाल में बहुत लोग बोल रहे हैं कि 6 न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हो सकता है. अगर आप लोग को उस रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट. ओके, आफ्टर उसके बाद आप लोग का चॉइस फिलिंग करना होगा. अब बहुत लोग हमको डिमांड किया है कि चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या रखना चाहिए, चॉइस फिलिंग का परफेक्ट ऑर्डर क्या है, टू मेक ए वीडियो ऑन दैट. वेन एवर आई गेट द टाइम आई विल मेक ए वीडियो, जल्दी आ रहा है. ठीक है, इसको लेके वीडियो जल्दी आ रहा है, टेंशन नहीं ले वो. ठीक है, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर पब्लिश होगा वेबसाइट में, जो स्टेट वेबसाइट है, हम लोग के केस में wbmcc.in उधर होगा. तो एक अलॉटमेंट लेटर पब्लिश होगा. सपोज मेरा बर्धवान मेडिकल कॉलेज में राउंड वन में हुआ है, तो एक अलॉटमेंट लेटर उधर लिखा हुआ रहेगा कि यू आर अलॉटेड बर्धवान मेडिकल कॉलेज. अलॉटेड कहाँ अलॉट हुए, इसलिए नाम है अलॉटमेंट लेटर. अलॉटमेंट लेटर लेके रिपोर्ट इन द कॉलेज, क्या क्या लेना पड़ेगा, सब डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा. ठीक है,
जो मेडिकल सर्टिफिकेट एक बनवाना पड़ेगा, ठीक है, वेरीफाइड स्लिप आपको लेके जाना पड़ेगा और ये अलॉटमेंट लेटर आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद ये सब लेके आपको फिजिकली जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, सपोज नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आपको सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा। सिलीगुड़ी में जाके आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, फिर उधर एक जगह रहता है बर्धमान में हम लोग का जो एकदम जो उधर अथॉरिटी रहेगा, अथॉरिटी को आपको पूछना कि कहाँ मेडिकल वेरिफिकेशन और काउंसलिंग हो रहा है, आपको देखा जाएगा कि इधर जाओ, तो उधर जाके बैठना पड़ेगा, आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, आपका वेरीफाइड स्लिप चेक होगा, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट वो सब चेक होगा, और उसके बाद एक पेमेंट देना पड़ेगा 6500। हाँ 6500 आपको बैंक से भी बैंक ट्रांसफर कर सकते हो और फिजिकली भी दे सकते हो आपका मन, ठीक है। वो देने के बाद एक बार खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन बता देना, थैंक यू भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, खुद को खुद बोलना, ठीक है भाई, बिकॉज हिपी फुर रहे भाई, यू आर नाउ एन ऑफिशियली मेडिकल स्टूडेंट, आप ऑफिशियली एक मेडिकल स्टूडेंट बन चुके हो, आप भी एक मेडिको बन चुके हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरा नीट 2021 काउंसिलिंग प्रोसीड्यूर समझ आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आपका भैया हर वक्त आपके साथ है आपको हेल्प करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी स्वैग से, बाय।